फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम खमन ढोकला बनाने वाले हैं और यहाँ मैंने ले लिया है मोटा बेसन। जितना भी इंग्रेडिएंट है ना, वो सारा का सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से देख लेना कि कितना क्या लिया है। यहाँ पाउडर शुगर ले रही हूँ और ये भी हम इस मिक्स कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे बेसन के साथ में। पाउडर शुगर इसलिए क्योंकि फिर शक्कर डालते हैं तो उसको मिक्स होने में टाइम लगता है। नमक ले लीजिए, सॉल्ट टू टेस्ट, स्वाद अनुसार लेना है। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी आप ज़्यादा मत डालना, मैंने यहाँ ज़्यादा डाल दी, जिसकी वजह से स्पंज जो है ना उसमें फिर रेडिशनेस आ जाती है। यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल रही हूँ, मुझे तीखा पसंद है इसलिए। अब अदरक है जो मैंने ग्रेट कर लिया है, अदरक की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और पानी मैंने ले लिया है इसको बैटर बनाने के लिए, तो इसको आप धीरे धीरे घोल लीजिए। और जो बैटर है उसको आपको गाढ़ा रखना है। ये इस तरह का बैटर मैंने बना लिया है। अब मैं इसमें आधा लेमन डाल रही हूँ। मेरा लेमन जो था वो बड़ा साइज़ का था, अगर आपके पास छोटा लेमन है तो पूरा आप नींबू जो है डाल सकते हैं। अब एक ही हाथ से मैं कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी और आपको बताती हूँ कि अच्छे से लेमन हमको इसमें मिक्स करना है। इसका रीज़न ये है कि हमें चाहिए कि लेमन पूरे बैटर में अच्छे से घुल जाए, क्योंकि जब सोडा हम डालेंगे तो वो रिएक्ट कर पाए। सो ये देख लीजिए, आपकी आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके की दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए 10 मिनट रख देंगे और उस टाइम ड्यूरेशन में हम अपना जो है तड़का बना लेंगे। ये रहा पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टी स्पून के करीब तेल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल मत यूज़ कर लेना पर। और ये मैंने मूंगफली का तेल यूज़ किया है, इसमें आप राई डाल दीजिए। और जीरा मैं डाल रही हूँ, नॉर्मली मार्केट में जो मिलता है उसके अंदर तो सिर्फ राई होती है, पर घर का आइटम है, कुछ भी अपनी मनमर्जी है भाई। सो यहाँ जीरा भी डाल दूँगी और इसके साथ मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा नमक। इसको थोड़ा सा तड़कने फड़कने देते हैं पहले। और यहाँ मैंने थोड़ा सा और जीरा जो है यहाँ पर डाल दिया है। और अब मैं डालूंगी नमक, इसमें डलेगी कटी हुई हरी मिर्च, यहाँ पे थोड़ी सी करी लीव, या आप बोल सकते हैं ये मैंने तो डाला है मीठा नीम का जो पत्ते होते हैं वो डाले हैं। यहाँ मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, मेरे पास हींग नहीं थी। आपको हींग ज़रूर से डालनी है, 2 पिंच या 3 पिंच हींग की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। पानी मैंने डाल दिया है, तो मैं कह रही थी हींग डालना चाहिए, मेरे पास हींग नहीं थी लेकिन हींग डालना चाहिए। शक्कर मैंने डाल रही हूँ यहाँ पे, ये जो पानी है ये खट्टा मीठा होना चाहिए। तो हींग जो क्या है ना, बहुत ही डिफरेंस बनाती है आपकी, डिफरेंट बनाती है आपके जो रेसिपी है उसको। यहाँ हम बैटर पे आ जाते हैं, मैं सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा है ये, आप इनो भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा पानी में यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए डालूँगी, बस थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। सो अब इसको धीरे धीरे मैं घुमा दूँगी, इंस्टेंटली ये वर्क करता है। और जब ये बात ध्यान रखिए, मेन पॉइंट है कि जब भी आप सोडा डालोगे ना, तो आप तभी डालोगे जब आप इसको पकाने के लिए रखने वाले हो, मतलब खमन बनाने के लिए तैयार आपका सारा का सारा जो पैन है गर्म है, पानी आपने रख दिया है कढ़ाई में, तो उस हिसाब से ही आप तभी सोडा डालोगे। उसके पहले डाल के ऐसे मत रख देना सोडा, नहीं तो ये फूलेगा नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत क्रीमी हो गया है, रिबन कंसिस्टेंसी आ गई है इसके अंदर, तो जैसा केक का बैटर होता है ना बिल्कुल वैसा, एकदम मुलायम मक्खन बैटर हो जाता है ये। नेक्स्ट मैंने जो इस पैन को ग्रीस कर लिया था ऑयल से और उसके बाद मैंने इसमें बैटर डाला। सो आप देख सकते हो ये भगोनी मेरे पास है और ये कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया और जाली डाली उसके ऊपर और फिर मैंने ये भगोनी रख दी। और अब मैं इसको एकदम फुल प्रूफ पैक कर दूँगी, कहीं से भी भाप निकलनी नहीं चाहिए। मैं एकदम फुल प्रूफ कर दिया इसको पैक। अभी 15 से 20 मिनट के अंदर ये जो खमन है ये बन जाएगा लो फ्लेम के अंदर। मैं यहाँ पे नाइफ टेस्ट करके बता देती हूँ आपको। और जो मैंने आपका हल्दी का बोला था ना, वो रेडिश कलर यहाँ इसीलिए आ गया कि ज़्यादा हल्दी डाल दी मैंने, अब कम डालना हल्दी। नाइफ एकदम क्लियर था, अपसाइड डाउन कर लूँगी थाली को और मैं निकाल दूंगी स्पंज को। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का ये स्पंज लग रहा है। बहुत अच्छी सी जाली बनी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और ये अगर बारीक बेसन होता ना तो आपको बिल्कुल मार्केट वाला टेक्सचर मिलता है, ये बेसन थोड़ा सा मोटा है जिस वजह से ये है। यहाँ पे तड़का है, तड़के के अंदर मैं नींबू अब डाल रही हूँ और नींबू के साथ मैं इसको पूरा फैला दूँगी। ये जो तड़का है बनाया था ना मैंने, ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसको हल्का सा ल्यूकवॉर्म किया है, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। ये मैंने इसको
इस पर डाल दिया, स्प्रेड कर दिया है ढंग से, और ये हमारा जो खमन है ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी चटनी और अमचूर की चटनी नहीं बनाई है, मुझे बहुत आलस आ रहा था, और जब सॉस के साथ काम चल सकता है तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। सो मैंने ये कर लिया है। अब आप इसको काटना मत अभी, इसको थोड़ा ठंडा होने देना, उसके बाद इसको काटना, पानी को अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इसे काट लेंगे। और ये दिखने में बहुत ही वाव लग रहा है और टेस्टी भी बना है, मैंने खा के देख लिया। ये रही फ़ोटोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।